लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कुंदा प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में धूमधाम से मनाया गया। संस्थानों में स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर शिक्षक व बच्चों ने माल्यार्पण कर संयुक्त रूप से केक काट कर मनाया। कार्यक्रम मुख्य रूप से सनराइजिंग पब्लिक स्कूल, प्रोग्रेसिव एकेडमी, मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में समेत प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस अवसर पर कई विद्यालय में गीत संगीत क्विज प्रतियोगिता भी बच्चों को कराया गया। शिक्षकों उनकी जीवनी का परिचय देते हुए शिक्षा ही समाज एवं देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, उन्होंने कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु के ग्राम तिरुनति में 5 नवंबर 1888 को एक गरीब किसान परिवार में जन्म लिया था। बचपन से ही शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव था। उन्होंने गरीबी को कभी शिक्षा में बाधक नहीं बनने दिया और देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। शिक्षा के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा चली आ रही है। मौके पर शिक्षक सुरेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, सिंटू कुमार आदि लोग मौजूद रहे। धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, चतरा। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज प्रोग्रेसिव विद्यालय के प्रांगण में बच्चों और शिक्षकों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत किया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवनी पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया और बच्चों ने यह संकल्प लिया कि जिस प्रकार हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विचार जो था हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में अहम भूमिका था, उस प्रकार हम सभी यह संकल्प लेते हैं आज, और जिसमें राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का जो अहम योगदान होता है, मैं उन सभी शिक्षकों का नमन करता हूँ, क्योंकि बच्चों ने यह भी बताया कि शिक्षक ना होते तो हमारी कामयाबी नहीं होती। इस अवसर पर सभी बच्चों ने अपना अपना स्पीच रखा और संगीत रखा। धन्यवाद।